धन्यवाद बच्चों। आज मैं कक्षा 9th और पाठ है 10 का हिंदी और इसके शीर्षक कुंभा का आत्मबलिदान को मैं बता रहा हूँ। इस पाठ जो है यह शीर्षक है कुंभा का आत्मबलिदान और लेखक जो है इसके लेखक नहीं बल्कि यह पाठ पुस्तक विकास समिति के द्वारा जो है सो प्रकाशित है और इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। इस पाठ के द्वारा रचयिता यह बताना चाहते हैं, लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज़ादी का क्या महत्व है, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारे मन में भक्ति होती है, आज़ादी के प्रति एक ललक जो होती है मन में, और अपने मातृभूमि को अर्थात जिस देश में हमने पैदा लिया उस देश की मिट्टी को, उस देश की धरती को हम हमेशा सम्मान करते हैं, हमेशा सम्मान करना चाहिए। भले ही मेरा कार्य क्षेत्र कहीं क्यों ना हो, लेकिन अपने देश के प्रति जो लगन है, जो त्याग है, जो प्यार है, जो स्नेह है, उसी भावना को हम राष्ट्रवाद भी कहते हैं। आप राष्ट्रवाद को भी समझ दें कि राष्ट्रवाद वही भावना है। तो इसी प्रकार यह अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया है इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी में यह बताया गया कि किस प्रकार वह वीर योद्धा जिसका नाम कुंभा था, उन्होंने, वह कुंभा बूंदी का रहने वाला था, बूंदी एक छोटा सा राज्य था, तो उसकी देशभक्ति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य बूंदी के प्रति अगाध प्रेम, त्याग, आत्मबलिदान जो है उनके प्रति था, और उन्हीं को जागृत किया गया है। उसी के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा इसी प्रकार की भावना जागृत रखनी चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि आज़ादी तो सबको प्रिय लगती है, किसे प्रिय नहीं होती। मनुष्यों की बात क्या, पशु पक्षियों को भी पराधीन पसंद नहीं है, गुलामी पसंद नहीं है। इसलिए तो आप लोगों ने 5वीं क्लास में पक्षी में जो है पक्षियों के माध्यम से भी माखनलाल चतुर्वेदी का वह कविता आप लोगों ने पढ़ा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और दूसरी पंक्ति, दूसरी कविता जो माखनलाल चतुर्वेदी का आप लोगों ने पढ़ा है, पुष्प की अभिलाषा मुझे तोड़ लेना, यानी वह फूल जो है चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला बिंध प्यारी को ललचाऊं। तो कहने के आशय है कि उसकी भी इच्छा है। वो क्या कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ में देना, तुम फिर मातृभूमि में से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने, अर्थात जिस रक्षा से रास्ते से होकर के हमारे देश के सैनिक अपने देश की सरहद की रक्षा करने के लिए जाते हैं उसी रास्ते पर फेंक देना, अर्थात देशभक्ति की ऐसी मिसाल उन्होंने दिया। तो कहने का आशय है कि कुंभा भी उसी प्रकार का था, लेकिन वह बूंदी का रहने वाला था। लेकिन कहता है कि चित्तौड़ राज्य के राजा थे महाराणा, अर्थात महाराणा प्रताप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उन्हीं के घोड़ा का नाम चेतक था जो प्रसिद्ध था। तो कहने का आशय है कि उन्हीं के महाराणा के राज्य में बूंदी का यह कुंभा जैसे सैनिक और भी उनके बहुत से दोस्त सैनिक जो कि बूंदी का ही रहने वाला था, लेकिन वह चित्तौड़ में जो है महाराणा प्रताप की नौकरी सेना में नौकरी करते थे।
लेकिन हुआ क्या, संयोग बस महाराणा प्रताप जो उनके के प्रति उनकी वफादारी तो थी ही उस देश के प्रति, क्योंकि उनके वह नमक खाता था महाराणा का, तो वह देश के प्रति तो उनकी भक्ति था ही, लेकिन सबसे बड़ी भक्ति अपने देश के प्रति, जिस देश में उन्होंने वह उन सभी सैनिकों ने पैदा लिए थे। तो कहने का आशय है कि राजपूत परमवीर और नितांत स्वाभिमानी होता है, और इसीलिए मातृभूमि की आन बान के लिए वह हरदम मर मिटने को भी तैयार रहता है। उसी प्रसंग उसी से संबंधित यह प्रसंग है। इसमें बताया गया कि बूंदी जो है रियासत उन जामाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को भी धूल चटा दी थी। कैसे, तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ, महाराणा ने यह बूंदी पे आक्रमण अपने सैनिक को बोले कि बूंदी चलो आक्रमण कर देते हैं, बिना किसी तैयारी के वह बूंदी पर आक्रमण कर दिए। भाई आप जब तक तैयारी बिना तैयारी के आप एग्जाम दोगे तो फेल तो होना स्वाभाविक है, चाहे आप कितनों ही अच्छे क्यों नहीं हो, अगर पढ़े ही नहीं हो तो कहाँ से लिखो। तो तैयारी, इसीलिए कभी भी यह मन में नहीं सोचनी चाहिए कि हम ऐसे पढ़ेंगे थोड़ी सी में ही हो जाएगी, नहीं, आप कितनों तेज हो लेकिन आपको पहले पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप एग्जाम पास करेंगे, एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। तो आशय कहने का है कि इसलिए उसी प्रकार इस कहानी में भी कुंभार जो है वह महाराणा प्रताप के यहाँ नौकरी करते थे। महाराणा को अचानक हुई मन में यह सूझा कि भाई हम आक्रमण करते हैं, छोटा सा राज्य है भाई बूंदी, इसको जितना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। यह सोच करके वह जो है सेनापति को कहा और आक्रमण कर दिया। आक्रमण तो हो गई लेकिन छोटे से राज्य थे यह सत्य है, लेकिन वहाँ के रहने वाले वीर सैनिक जो हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने जान अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके कारण तुरंत जो है महाराणा जो है कि सेना हार गई, मुँह की खानी पड़ी से हार खानी पड़ी। अब जैसे ही उनकी हार हुई महाराणा को आश्चर्य लगा, इतने बड़े वीर योद्धा इतने इससे बड़े बड़े राज्यों को हरा चुके थे वह युद्ध में, ये क्या बात हो गई। इसलिए अचानक वह बिना सोचे वह प्रतिज्ञा कर, इसलिए किसी भी यह भी अच्छी बात नहीं है कि प्रतिज्ञा हमें जो है हम प्रण कर लेते हैं, जो बिना सोचे कि हम प्रण जो करें पहले ये सोचें कि मैं जो प्रण कर रहा हूँ क्या यह हम कर पाएंगे, अर्थात जो करेंगे तो इसके लिए हमको समय चाहिए, यानी हम तुरंत जो है हड़बड़ा नहीं जाएंगे, हड़बड़ा नहीं चाहिए हमें, अर्थात उसके लिए धैर्य बना के रखना होगा, तब आपको जो है जो प्रण आपकी आपका लक्ष्य प्रण जो है वो पूर्ण होंगे। तो कहने का आशा है कि इसी प्रकार वह और उसी से वह जो है प्रतिज्ञा कर लिए कि जब तक मैं बूंदी को नहीं जीत लेता मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊँगा। हो गई, बड़ी बात हो गई भाई, एक बूंद पानी आप तो इतना समझे कि इतनी आसानी बात है ना, तो है नहीं कि आप जो है सो बूंदी को हराएंगे तब, अर्थात व्यक्ति कितना 10 दिन 20 दिन तक तो बिना पानी पिए नहीं रह सकता है। तो इसीलिए सोचनी चाहिए पहले कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा किस प्रकार कर रहा हूँ, भाषा का ही बहुत बड़े महत्व है, इसीलिए उसे हमें समझ करके बोलनी चाहिए। तो कहने का आशा है कि वह प्रतिज्ञा तो कर डाले, लेकिन अब इस प्रतिज्ञा को पूरी होने में कठिनाई थी, तुरंत नहीं हो सकती थी, क्योंकि हम तैयारी करते अपने सेनाओं को सजाते युद्ध के लिए तैयारी करते, तब हम युद्ध नीति को अच्छी तरह से समझते, तब हम युद्ध करते, तो हमारी जीत तय थी, यानी जीत पक्की थी, हम जीते ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वह प्रण कर ली। अब उनके जो मंत्री सब थे, मंत्री लोगों ने मंत्रीगणों का विचार हुआ कि भाई यह तो अब जब राजा महाराज जब इस प्रकार प्रतिज्ञा कर डाले ये तो संभव है नहीं, अब वो अगर संभव नहीं है तुरंत, यानी तुरंत संभव नहीं, संभव है लेकिन तुरंत नहीं, तो तुरंत संभव अगर नहीं है तो वो भूखे प्यासे रहेंगे, पानी भी एक बूंद नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, तो क्या होगा देश की रक्षा करना,
मंत्रीगणों का यह कर्तव्य है अच्छी सलाह देना। इसीलिए मंत्रीगण ने विचार करके यह निर्णय निष्कर्ष पे पहुंचा कि क्यों नहीं बूंदी का एक छोटी अर्थात नकली किला बना लिया जाए और उसको नकली युद्ध के माध्यम से जीत लिया जाए तो प्रण भी पूरी हो गई और उसके बाद तब तक हम इधर अपने सेना की अपने अच्छी तरह हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम युद्ध जो है बूंदी पर आक्रमण करेंगे और तब बूंदी को जीत लेंगे, बहुत अच्छी, यानी यह सबसे अच्छा मार्ग था, अच्छी रास्ता, इसलिए यही निर्णय हुई। संजोग बस किला बनाया जाने लगा। उसी वक्त उसी समय ये बूंदी जो छोटा सा राज था वहाँ के रहने वाले ये कुंभा और कुछ उनके सैनिक दोस्त जो वहाँ के ही थे लेकिन यहाँ नौकरी करते थे राणा की सेना में, तो वह सभी जो है देखिए भाई ये किला क्यों, ये तो हमारे मातृभूमि के प्रति और उनके मानचित्र जो है मस्तिष्क पटल पे लोगों के अपने देश के प्रति जो है ममत्व के कारण मस्तिष्क पटल पे रहता है, तो उनको लगा भाई ये तो हमारे देश का यह मानचित्र है, ये इस प्रकार तो मेरा बूंदी है नहीं, ये बूंदी क्यों बनाया जा रहा है, तो वह पूछे जा करके। तो बनाने वाले जो लोग थे जो कलाकार थे उन लोगों ने कहा कि भाई या राणा हमारे राजा जो प्रतिज्ञा कर ली उसी की प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए ये नकली व्यूह रचा जा रहा है और इसे जीत करके उस जो है तब वो खाना पीना खाएंगे यानी पानी पिएंगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, वास्तविक में बूंदी पे हमें बाद में बूंदी को जो है सो पर हम आक्रमण करेंगे। तो यह एक प्रकार से जो है काल्पनिक यानी कल्पना करके हम लोगों ने ऐसा सोचा इस प्रण ये प्रतिज्ञा से उबार पाने के लिए। वह सुना उसके मन में हुआ कि नहीं आखिर मेरे देश, इसका मतलब है कि बूंदी का जो है ये मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे देश की, हमारे अपने देश के प्रति ऐसी राष्ट्रभक्ति ऐसी प्रेम उसके दिल में तो पनप रहा था, वह जो है वो अति तीव्र वेग से जो है वह उनके दिल से निकला नहीं मैं अब मरते दम तक भी इस अपने देश अपने मातृभूमि को हारने नहीं दूंगा, हो गया वह मन में सोच लिया। फिर किला जैसे ही बना कि वैसे ही इधर से जो है बूंदी के अर्थात किला में कुछ लोग जो सिपाही उन्हीं के सिपाही सैनिक रहते और इधर से वैसे ही जो है बहाना करके यही काल्पनिक युद्ध करते और इस प्रकार राणा जो है राणा की सेना महाराज की सेना इसको जो है सो जीत लेते और जो है उनकी जीत हो जाती, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं। जैसे राणा की सेना अपने सैनिकों के साथ सभी सेनाओं के साथ जैसे ह्यूमन वहाँ पर पहुँचे और वह युद्ध की शुरुआत किए कि इधर से जो कुछ सैनिक थे उन्हीं में से यह और सब जो सैनिक थे वह तो नकली युद्ध कर रहे थे सिर्फ अपने जो है सो अपना दिखावा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पहले से था सैनिक कुंभा और उसके दोस्त वह सभी यह मन में सोच लेते कि हमें किसी भी हाल में अपनी मातृभूमि को हारने नहीं देना है, इसलिए वह मन से अर्थात वह अपने परिश्रम से मेहनत से बल से शक्ति से तन मन से वह युद्ध करने लगे क्योंकि उसका तो यही लक्ष्य था। जब इधर से उधर की सेना को तो पता नहीं चला, जब यह एहसास हुआ कि भाई ये इस प्रकार क्यों प्रतिरोध, वह जान जान करके मार रहा आक्रमण कर रहा है तीर चला रहा है अपने अस्त्र शस्त्र को चला रहे हैं, ये क्या हुआ, जब तो मैं तो कह दिया था प्लानिंग तो इसी प्रकार हमारी योजना थी कि भाई उधर से वैसे थोड़ा सा प्रतिरोध करेगा और उसके बाद हम जीत लेंगे, लेकिन यह तो सच में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तब पता चला कि नहीं कुछ सैनिक जो है गुप्तचर से इस प्रकार पता चला राजा को कि नहीं, यह मालूम हुई कि वह गुप्तचर से कि वो जो कुंभा है और उसके जो कुछ दोस्त हैं जो 10-12 की संख्या में थे वे सभी प्रतिरोध मन से कर रहा था अपने देश इसे जो है इस किला को हम अगर जीत लेते हैं अर्थात इस किला को हराना बूंदी को हराना उनके मन में अपमान की बात है, हारने देना अपने देश को यानी नकली व्यूह को भी,
इसलिए वह मन से युद्ध कर रहे हैं। तब जो है आखिर सेना तो यहाँ पर फौज ही थी, उतनी फौज के सामने 10-12 सैनिक क्या कर सकते, लेकिन मरते दम तक वह सैनिक युद्ध करते रहे। जब तक वह नहीं मरे, जब तक वह शहीद नहीं हो गए, तब तक कोई भी नहीं जा सका उस किला में। तो इस प्रकार इसलिए इस कहानी में अंत में अब लेखक यह कहते हैं कि कैसी मातृभक्ति अपने देश के प्रति उनकी भक्ति थी, है ना। और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि वह भक्ति हमारे भी दिल में हो, हमें भी अपने देश की भक्ति करनी चाहिए, देश की गुणगाना चाहिए। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो युद्ध करने के बाद, है ना, युद्ध के उपरांत जो है उनकी मौत हुई। और वह जो है हरा राजपूत कदा जिंदा रहा तो चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया और कहानी का अंत हो गया। राणा जीता यानी कुंभार और उसकी वीर टोली हार गई, पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? कहते नहीं। क्यों? क्योंकि लगता है कि ऐसा जैसे राणा जीत कर भी हार गया, क्योंकि उतनी सेना लेकर के वो आए थे, यही 10-12 प्रतिरोध करने वाले विरोधी सेना उनके थे। और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। तो ऐसे हमें भी अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए इसी प्रकार बलिदान देने के लिए भी तैयार रहनी चाहिए। बलिदान जरूरत पड़े तो दे देना चाहिए, अर्थात सचमुच कोई जीत हार से भी ज़्यादा जो है ना, कहता है कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभक की हार तथा उसका आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से अधिक गौरवपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है? है। इसलिए हमें भी कुंभा के समान बनना चाहिए। तो इस प्रकार आपका यह पाठ कुंभा का आत्म बलिदान जो है यह अब पाठ समाप्त हुई। आप लोग इसके शब्दार्थ याद करेंगे, प्रश्न उत्तर बनाएंगे, फिर भी जो समस्याएं होगी आप लोग पूछेंगे। धन्यवाद।